Good morning, students. I am Hiteshwar Dutt, and today we will discuss Chapter 3 of Class 8th Geography, that is Mineral and Power Resources. As we have discussed earlier, Chapter 1 and 2 about resources and land, water, soil, and natural vegetation and wildlife. इससे पहले वाले chapters में हमने resources के बारे में बात की कि resources क्या होते हैं, कितने type के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं. वो था चैप्टर फर्स्ट. इन द सेकेंड चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. उन चार नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने बात करी, और इस चैप्टर में हम मिनरल और पावर रिसोर्सेज की बात करेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं और पावर रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. So the very first topic is minerals. What is a mineral? मिनरल क्या होते हैं? Meaning and definition. तो अर्थ, हमारी जो अर्थ है उसकी क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स द टॉप लेयर एंड द इनर लेयर्स ऑफ द सॉयल. तो जो हमारी धरती की सतह है वो पत्थरों से बनी हुई है. क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. तो जो हमारी धरती की सतह है वो पत्थरों से बनी हुई है, और वो पत्थर जो हैं वो मिनरल से बने हुए हैं. नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशंस. प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वो संसाधन, वो चीजें, वो वस्तुएं जिनकी एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब एक निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टी है, और स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन है, मींस केमिकली अलग अलग केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से वो बने हुए हैं, उनको हम मिनरल कहते हैं. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिनरल्स? मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. जैसा कि हमने इनकी अभी ऊपर पढ़ा कि दीज आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशंस, और केमिकल कॉम्पोजिशंस तभी होंगी जब मिनरल्स हमारे जो हैं वो एक से ज्यादा वस्तुओं से बने होंगे. सो द वेरी फर्स्ट फीचर इज दीज मिनरल्स, ऑल द मिनरल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. कोई भी मिनरल जो है वो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ होता है. तो हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की प्रॉपर्टीज की और फीचर्स की. तो मिनरल को हिंदी में खनिज पदार्थ भी कहते हैं, और एक कोई भी खनिज पदार्थ जो है वो अलग अलग तत्वों से, अलग अलग एलिमेंट्स या तत्वों से मिलके बना होता है. मीन्स एक मिनरल जो है वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना होता है. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एबायोटिक और इनऑर्गेनिक. ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं वो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक होते हैं, मीन्स नेचर से जुड़े हुए कम होते हैं. ओनली कोल एंड मिनरल ऑयल आर बायोटिक और ऑर्गेनिक. सिर्फ यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो बायोटिक और ऑर्गेनिक हैं, मिनरल ऑयल और कोल, क्योंकि ये सालों से दबे हुए, जैसे सालों से दबे हुए फॉसिल फ्यूल्स से बनते हैं. एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल. अब हमारे मिनरल्स जो हैं एग्जॉस्टिबल मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लिमिटलेस हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में हमारी धरती पर मिनरल्स प्रेजेंट नहीं हैं. और नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको दोबारा रिन्यू भी इतनी आसानी से या इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता. आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. और इन मिनरल्स की, इन खनिज पदार्थों की पहचान जो है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, के हेल्प से की जाती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कि वो दिखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी शेप कैसी है, कहाँ पे वो किस एरिया में मिलता है, कितनी अमाउंट में मिलता है. दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड टॉकिंग अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कि वो किस किस एलिमेंट से, किस किस तत्व से मिलकर बना हुआ है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी. कैन बी सॉफ्ट और हार्ड. अब मिनरल्स जो हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टैल्कम, जिससे हम हमारा टैल्कम पाउडर बनाते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है. और आयरन, आयरन ऑक्साइड से हमें आयरन मिलता है, और आयरन बहुत हार्ड होता है. कैन बी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. यहाँ पे सॉल्यूबल का क्या मतलब है? यहाँ पे सॉल्यूबल रिलेट करता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर,
पानी में घुल भी सकते हैं और ना भी घुलें। हो सकता है जो चीज़ है वो पानी में घुल भी जाए। फॉर एग्जाम्पल नमक, नमक भी एक मिनरल है। सॉल्ट इज अ मिनरल एंड इज सॉल्युबल इन वाटर। बट इफ वी टॉक अबाउट कोल, कोल विल नॉट मिक्स इन वाटर। कोल जो है वो पानी में मिक्स नहीं होगा। टॉकिंग फर्दर इन द चैप्टर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे बात करते हैं। देर इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब इनवर्स कोरिलेशन का क्या मतलब है? हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स इफ देर इज समथिंग एक्स, इट विल बी इक्वल टू 1/x। मतलब अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी उसके उलट होगी। ये बढ़ रही है तो ये कम हो जाएगी, ये बढ़ रही है तो ये कम हो जाएगी। बोथ थिंग्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्वालिटी और क्वांटिटी यहाँ पे किसी मिनरल की कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जिस मिनरल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। जबकि जो बहुत अच्छी क्वालिटी के, द मिनरल्स विच आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दोज आर फाउंड इन लेस क्वांटिटी। एंड जो अच्छी क्वालिटी है वो कम क्वांटिटी में मिलेंगे। जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है वो इतना अच्छा बाकी मिनरल से कंपेयर किया जाए तो वो इतना अच्छा हमें प्रोडक्ट नहीं देते हैं, तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ऐसा नहीं है कि हर एक मिनरल पूरी धरती पे पाया जाता है। बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जो कहीं पे मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोना, सोने गोल्ड की हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड जो है हमारे इंडिया में कर्नाटका में KGF में मिलता है, कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो कोलार में KGF है, KGF माइंस है, वहां पे सोना मिलता है। बाकी पूरे भारत में सोना कहीं पे भी नहीं मिलता है। टॉकिंग फर्दर अबाउट द टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोस्पेक्टिंग। इसको हिंदी में पूर्वेक्षण भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? टू ट्रेस आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अंडरलाइंग मिनरल्स। अंडरलाइंग का मतलब जो धरती की सतह से नीचे पाए जाते हैं। पूर्वेक्षण सर्वेक्षण से ही एक शब्द बना है कि एक जगह की जांच पड़ताल करके ये पता लगाना कि उस जगह पर किस अमाउंट में कौन सा मिनरल अवेलेबल है। उसको इंग्लिश में प्रोस्पेक्टिंग और हिंदी में पूर्वेक्षण कहा जाता है। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स टू ट्रेस आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अंडरलाइंग मिनरल्स की धरती, मिनरल्स विच आर फाउंड अंडर द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ एंड टू लोकेट देम वेयर दे विल बी फाउंड। दिस इज प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट इज माइनिंग। कमर्शियली एक्सकवेटिंग वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। हिंदी में इसे खनन भी कहा जाता है। खनन या माइनिंग किसे कहते हैं? कमर्शियली मीन्स पैसों के लिए। मॉनेटरी टर्म्स में जब ये चीज़ आ जाती है, पैसों के लिए जब ये काम किया जाता है, मिनरल्स को, वैल्यूएबल मिनरल्स को, जब किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल, गोल्ड, जब इन सब मिनरल्स की खदानें मिलती हैं, माइंस मिलती हैं हमें, और इन सब चीज़ों को जब धरती की सतह से निकाला जाता है बाहर, तो उन्हें उसे माइनिंग कहते हैं, या इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी कमर्शियली एक्सकवेटिंग वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। नेक्स्ट इज क्वेरिंग। इसे उत्खनन कहा जाता है। क्वेरिंग मीन्स एक्सट्रैक्टिंग द ओर्स दैट लाई ऑलमोस्ट ऑन द सरफेस आर सिंपली डग आउट। अब ये जो है ये माइनिंग के ही पार्ट है, मतलब माइनिंग में ही आ जाते हैं दोनों, क्वारिंग और ओपन कास्ट माइनिंग। तो क्वारिंग क्या है कि जो मिनरल्स हमें ज्यादा खुदाई करने की उसके लिए जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट धरती की सतह के जस्ट थोड़ा बहुत नीचे ही हमें मिल जाएंगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्वेरिंग। एक्सट्रैक्टिंग दी ओर्स दैट लाई ऑलमोस्ट ऑन दी सर्फेस आर सिंपली डग आउट। मतलब जो जिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड है, उसके लिए हमें ज़्यादा खुदाई करने की बहुत सी जगहों पर जरूरत नहीं पड़ती, वो ऊपर धरती की ऊपर ऊपर ही सतह को हटा के हमें मिल जाता है। नेक्स्ट इज ओपन कास्ट माइनिंग। एक्सट्रैक्टिंग दी ओर्स दैट लाई एट शेलो डेप्थ आर टेकन बाय रिमूविंग सरफेस लेयर्स। अब ओपन कास्ट माइनिंग क्या है कि
कि उन मिनरल्स को धरती की सतह से बाहर, धरती के अंदर से बाहर निकालना जो धरती की गहराइयों में दफन हो रखे हैं, जो दबे हुए हैं नीचे गहराइयों में, उन मिनरल्स को बाहर निकालना सतह से, दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग। सो बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे थे, दिस वॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स को धरती की सतह से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इसके तीन पार्ट हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। ड्रिलिंग फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम घरों में सबमर्सी बोहर लगवाते हैं, सबमर्सिबल मोटर लगवाते हैं, उसको एक छोटा सा छेद करके धरती की सतह में अंदर तक छेद किया जाता है और पानी को बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। माइनिंग हमने ऊपर डिस्कस किया ही है, ओपन कास्ट माइनिंग ऊपर डिस्कस किया है, क्वेरिंग भी अभी डिस्कस किया है, एंड शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग क्या होती है, आल शो अ पिक्चर। इस शाफ्ट माइनिंग के लिए पिक्चर मैं बुक से आप लोगों को शो कर देता हूं। दिस इज शाफ्ट माइनिंग, कि धरती की सतह में काफी अंदर तक ले जाके ऐसे सुरंगें बनाई जाती हैं जहां पे लोगों को नीचे उतार के और मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। सो दिस वॉज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स।